मित्रों, आज का जो प्रसंग है, आज जो हम कथा सुनाएंगे वो परशुराम और लक्ष्मण संवाद की है। जब प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया तो पृथ्वी कांप उठी। घोर आवाज सुनकर परशुराम जी जनक जी के यहाँ पधारे। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई। वहां ज्यादा देर तक उनके क्रोध को देखकर ठहरना उचित नहीं समझी। वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे सिंह से दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक ही पृथ्वी को उलट दूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहोई केउ एक दास तुम्हारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। आयसु काह कहिए कि न मोही, अश्वनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, इसे बकुसो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि सिवा धनु तोरा, जय सिया राम जय जय हनुमान।
मान हस हस बाहू शमशोरी पुमोरा जय सिया राम जय जय हनुमान। सेवक वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, शिव जी के धनुष जिसने तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अशोभी लगाऊ बिहाई समाजा अन्न तमारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसकाने जय सिया राम जय जय हनुमान। अब बोले परसु धरहि अपमाने जय सिया राम जय जय हनुमान। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, इसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसके बारे में कह रहे हैं। नहीं तो यहां उपस्थित जितने राजागण हैं सब मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई जय सिया राम जय जय हनुमान। अकबहु नया सिरिस किन्ह गोसाई जय सिया राम जय जय हनुमान। यही धनु पर ममता के ही हेतु असुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। हे गोसाई, बालपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किसी कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित तो होकर कहने लगे, इरे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु अभिदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जय सिया राम जय जय हनुमान। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय सिया राम जय जय हनुमान जय 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 हनुमान गुसाई। जय सिया राम जय जय हनुमान कृपा करहुँ गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय
जय हनुमान करहु कृपा गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय हनुमान कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय हनुमान दीन दयालु बीरदु संभारी। जय सिया राम जय जय हनुमान हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान एक गरी या दो गरी यादों में पुनियाद अतुल सी संगत साधु की हरे कोटि अपराध सियावर राम चंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव जय शिव शंभो।